पावर डेसिपेशन क्या होती है? पावर डेसिपेशन वो होती है जो गेट जो है अपने ऑपरेशन के दौरान पावर इस्तेमाल करता है, ठीक है। ये फाइंड कैसे की जाती है? वीसीसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, आईसीसी से, ठीक है, आईसीसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे नंबर ऑफ गेट्स एन नंबर ऑफ गेट से डिवाइड कर देते हैं। जब एन नंबर ऑफ गेट से डिवाइड करते हैं तो हर एक गेट की हमें पावर डेसिपेशन मिल जाती है, ठीक है। अगर पूरे गेट में जो वोल्टेज दे रहे हैं, जो करंट दे रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई, पी इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है ना, ठीक है ना, वो ले लिया, वी इंटू आई कर दिया, और एन नंबर ऑफ गेट्स हैं तो एन से डिवाइड कर दिया, तो हमें हर गेट की पावर डेसिपेशन मिल जाएगी। फैन इन, फैन इन का मतलब होता है कि कोई ऐसी जो लॉजिक सिस्टम जो है कितने नंबर ऑफ इनपुट्स को टैकल कर सकता है, कितने नंबर ऑफ इनपुट्स को टैकल करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसी तरह फैन आउट है, इसका तो मतलब ये होता है कि कितने नंबर ऑफ आउटपुट्स को वो हैंडल कर सकता है। नॉइज मार्जिन, नॉइज मार्जिन होता है कि आपकी क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ नॉइज होता है कि जिसके अंदर अंदर वो रहता है, ठीक है, जो सर्टेन लिमिट्स होती हैं उसको क्रॉस नहीं करता। ये हाई लेवल पे लादा होता है, लो लेवल पे लादा होता है। अब ये देखें, ये दो लादा लादा सिस्टम दिखाए गए हैं, ठीक है। अब ये अब नॉर्मल ऑपरेशन है, नॉर्मल ऑपरेशन के तो अब देखिए, इस यहां से ऊपर ऊपर यहां पे देखिए, यहां पे इसको वन कंसिडर कर रहा है, इस तरह इसको यहां पे वन कंसिडर कर, ठीक है। अब देखिए, ये मिनिमम लेवल है, ये मैक्सिमम लेवल है, ये वो मिनिमम वोल्टेज की वैल्यू है जिसके ऊपर वन मान रहा है, इसी तरह ये मैक्सिमम वैल्यू है जिसपे वन मान रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो होता है वी इनपुट हाई माइनस वी आउटपुट हाई, जो आउटपुट हाई होती है और जो इनपुट हाई के मिनिमम का डिफरेंस होता है। इसी तरह लो के केस में इनपुट लो माइनस आउटपुट लो होता है, ठीक है। ओवरऑल नॉइज मार्जिन होता है मिनिमम ऑफ दीज टू होता है, यानी कि लो मार्जिन और नॉइज मार्जिन लो वाले केस में और हाई वाले केस में जो होता है उन दोनों का डिफरेंस होता है। अब ये आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट की ये वाली वैल्यू है, ठीक है, आउटपुट की वैल्यू में से इनपुट वाली, ये इनपुट है, इनपुट वाली वैल्यू माइनस कर, इस तरह यहां पे ये आउटपुट है, ये इनपुट है, इनपुट ज्यादा होती है इनपुट लो के केस में, इनपुट वाली वैल्यू में से आउटपुट वाली वैल्यू माइनस कर, ये डिफरेंट है ना। हाई के केस में आउटपुट में से ये आउटपुट है, आउटपुट में से इनपुट माइनस करेंगे क्योंकि ज्यादा से कम माइनस करते हैं। इसी तरह लो वाले केस में इनपुट में से आउटपुट माइनस करेंगे, ओवरऑल जो होता है दोनों में से जो कम वाली वैल्यू होती है। स्पीड पावर प्रोडक्ट, स्पीड पावर प्रोडक्ट होती है जो गेट का प्रोपोगेशन डिले है उसको अगर एवरेज पावर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, उसके अगर पावर डेसिपेशन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो स्पीड पावर प्रोडक्ट होती है, ठीक है।